सागर मत के सभी देवता अमृत को ललचाए, तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। नमस्कार, आज महाशिवरात्रि है मेरे इटर्नल लवर, मेरे युगो युगांतर के मेरे प्रेमी शिव, महाशिव, महाकाल, महामृत्युंजय, अभिजीत, महाकाल, हमारे प्रभु शिव की आज रात है। शिव का तो हर दिन है, हर रात है, हर क्षण है। मैं शिव भक्त थी और हूँ और सदैव रहूँगी, क्योंकि जो शिव है वो नहीं है, और जो नहीं है, जो ये खला है, जो ये अंतरिक्ष है, ये जो चीज़ें हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जो नहीं है उसने सबसे ज़्यादा जगह इस विश्व में, वो सबसे ज़्यादा स्थान इस संसार में उसने ले रखा है, जो नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो इस प्रकृति में है, जो इस प्रकृति के कण कण में है, वो शिव है, वो शिव है, वो शाश्वत है, वो सुंदर है, और जो सुंदर है वही शिव है। तो आज मुझे हमेशा से ही, बचपन से ही, महाशिवरात्रि का त्यौहार सबसे ज़्यादा भाता था, क्योंकि ये सबसे अलग, एक अलग दृश्य दर्शाता है। जिस तरह संसार में जिन जिन चीज़ों को इंसान ठुकराता है, जिसे अशोभनीय मानता है, जिसे अशुभ मानता है, उन सब चीज़ों को, उन सब वस्तुओं को शिव ने अपने गले लगाया है, उन सब इंसानों को, उन सब स्थितियों को शिव गले लगाते हैं, चाहे वो शमशान में बैठकर तपस्या करना, क्योंकि शमशान का नाम भी अशुभ माना जाता है, लेकिन ये मेरे शिव ही हैं जो इस बात को भयमुक्त करते हैं कि वो जीवन का सत्य है, शमशान ही जीवन का सत्य है, जहाँ पर अंत होता है, और शव की राख ही सत्य है, वही जीवन का जीवन की पूर्ण आहुति दर्शाता है। और इसी वजह से मेरे शिव का अलंकार नए नए वस्त्र नहीं हैं, सोने के जेवर नहीं हैं, और ना ही सर पे ताज है। मेरे शिव के गले में आकर लिपटते हैं जहरीले नाग, जिनको कोई नहीं स्वीकार करता, उनको शिव, ये प्रकृति, शिव दरअसल प्रकृति का रूप है, शिव प्रकृति है। मैं जहाँ देखती हूँ मुझे मेरे शिव है वो, ये पेड़, ये धूप, ये हवाएँ, ये धरती, ये मिट्टी, ये सब शिव है, मैं शिव हूँ, आप शिव हैं। और जिस तरह नाग प्रकृति में सुख पाते हैं, उसी तरह शिव के गले में आके लिपट जाते हैं। तो ये एक तरह से, ये कोई एक इंसान नहीं है, जो कि कई लोगों की धारणा है कि एक इंसान है जिसने गले पे सर्प लपेटा हुआ है और जिसने चर्म के कपड़े पहन रखे हैं, वो शिव है। शिव हम और आप में मौजूद है, शिवो अहम, शिवो हम ही शिव हैं, शिव ही हम हैं। सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है, ये बाहरी आडंबर त्यागने की ज़रूरत है, तो हम ही शिव हैं। लेकिन फिर भी मेरे जहन में, मेरे ख्यालों में जो मेरे शिव हैं, बहुत ही सुंदर हैं, जैसे प्रकृति सुंदर है, एक बहुत ही सुंदर एक पुरुष का रूप, और जो इतना त्यागी है, जो इतना भोला है, जो इतना कृपा करने वाला है, इतना आसानी से मान जाने वाला है, सिर्फ चंद बेलपत्रों से जो प्रकृति से मिलते हैं, चंद धतूरे के फूलों से जो प्रकृति मुहैया कराती है, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही शिव को प्रसन्न कर देते हैं। उनके लिए कोई 56 भोग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कोई रेशमी वस्त्र लिपटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस बार मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शिव को, शिवलिंग को, शिवलिंग जो प्रतीक है, शिवलिंग का भी कई लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मानो तो प्रभु है, ना मानो तो पत्थर है, लेकिन वो वाकई में शिवलिंग एक सिर्फ प्रतीक है, शिव का प्रतीक है, पुरुष का प्रतीक है, जननी और जनक का, कि जन्म, ये संसार का जन्म किस तरह से हुआ, तो उसको पॉजिटिव रूप से देखते हुए हम शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, शिव को मानते हुए, शिव का ध्यान करते हुए, और दूध से नहलाए जाते हैं। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे ऐसे छोटे छोटे मुंह हैं जिनको दूध की ज़रूरत है,
तो आज आप मंदिर जाएंगे। मैं भी छोटे होते हुए, मैं मेरी मेरी जीजी बड़ी, हम जाते थे शिवरात्रि के दिन मंदिर में दूध से शिव स्नान करवाने। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ज्यादा दूध नष्ट ना करें। वो दूध शिव शिव को जरूरत नहीं है, शिव ने तो सब कुछ बनाया, हमको क्या जरूरत है दूध की। सिर्फ अगर अपने दिल की इच्छा पूरी करनी है तो एक बड़े से कमंडल में, जिसमें आप शिव को स्नान कराना चाहते हो, जिस पानी से, जिस जल से, उसमें चंद बूंदे, 5-6 बूंदे दूध की डालकर, बाकी सारा दूध मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भिक्षुक होते हैं, बच्चे हैं भूखे, उनको पिला दीजिए। देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, और सही अर्थों में वही शिव तक पहुंचेगा। तो दूध दूध का नाश ना कीजिए, शिव को जरूरत नहीं है, शिव को आप पानी से ही अभिषेक कर सकते हैं, वो बहुत भोले हैं, उनको कच्ची लस्सी से भी अभिषेक कर सकते हैं, वो उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे शिवरात्रि का त्यौहार अच्छा लगता है। मैं मंदिर नहीं जाती हूँ शिवरात्रि के दिन कोई खास यहाँ पर इंग्लैंड में, लेकिन मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपने घर में ही शिव को हर दिन हर पल नतमस्तक रहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शिव दर्शाता है आडंबरों से दूर रहना। हमारे शिव सबसे ज्यादा मॉडर्न है, सबसे ज्यादा आधुनिक है, सबसे ज्यादा बोल्ड है, नोमैडिक है, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने वाले शिव, मैं उन्हीं को अपनी लाइफ का आइडल मानती हूँ। क्योंकि जिंदगी अपने तरीकों से, अपनी शर्तों पे जीनी चाहिए, ये नहीं कि समाज क्या चाहता है। समाज ने तो एक वक्त में शिव को भी शिव के जो नाम को कथाओं में ठुकराया था, कि उनको कह के कि ये तो भिक्षुक है, ये तो दर दर भटकता है। लेकिन सत्य क्या है? क्या हम इस दुनिया में दर दर नहीं भटक रहे हैं? क्या वस्त्र पहन लेने से, राजसी वस्त्र पहन लेने से कोई राजा बन जाता है? शिव ने हमेशा ही सादा रूप रखा है, शिव ने हमेशा ही प्रकृति के नज़दीक रहे हैं, प्रकृति को प्यार किया है, और हर इसीलिए उन्हें भूतनाथ भी कहते हैं, उन्हें महाकाल भी कहते हैं, उन्हें पशुपतिनाथ भी कहते हैं। और क्योंकि वो हर पशु, प्रकृति के हर चीज़ के मालिक हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी प्रकृति को प्रेम करना चाहिए। और यही सच्चे अर्थों में शिवरात्रि में हम शिव की पूजा कर सकते हैं, पेड़ों को ना काटें, नए पौधे लगाएं, प्रकृति को प्रेम करें, पशु पक्षियों को प्रेम करें, उन्हें भोजन दें, यही शिव की पूजा है, यही मेरे शिव की सार्थक पूजा है, मैं ये मानती हूँ। और मैं यही कहूंगी कि देह शिवा वर मोहे हे, शुभ कर्मन्ते कब हो न डरो, न डरो अरस्यो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो मैं कहूंगी शिव आपके साथ रहे, आपके भीतर रहे, अपने भीतर के शिव को जगाएं, आज शिव की पूजा करें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे से मुलाकात करें। शिव की जो महिमा है, जो खुशबू है, वो चारों तरफ फैले, शिव का आशीर्वाद हम पर रहे, हमें वो अलौकिक सुख, अलौकिक तीसरी नज़र, हमारी अलौकिक जो तीसरी नज़र जो हमारे भीतर भी है, वो हम शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें खुलें, हम एनलाइटन हों और सच्चाई को देख सकें, सरलता को देख सकें, और सरलता को ही शुभ माने। सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार।